चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में निर्दल चुनाव जीतकर आई सोनू किन्नर ने चेयरमैन पद का शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें कि सोनू किन्नर प्रदेश में एकमात्र किन्नर चेयरमैन बनी हैं। सोनू किन्नर के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में किन्नर समाज उपस्थित रहा। भाजपा के प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीतने वाली सोनू किन्नर को SDM ने शपथ दिलाई। चेयरमैन पद के साथ साथ 25 सभासदों ने भी शपथ ग्रहण किया। सोनू किन्नर के शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। सोनू आज आपने शपथ लिया है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि हमको जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने हमको जिताया, जनता ने हमको सहयोग दिया, जनता ही मेरा सब कुछ है। आज मेरा शपथ ग्रहण था, हाँ यही है। जनता हमको इतना शौक है कि हद करने के लिए 5 साल के लिए हमको उनका सेवा हमको करना है, हम करेंगे। सोनू आज आपको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से निभाएंगी? पहला काम ऐसा क्या होगा जो करेंगी आप? बहुत जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी हमको है। नाली का है, रोड का है, काम करना है, हर चीज करना है, निभाना। आज से आपको मुगलसराय यानी दीनदयाल नगर की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी नगर पालिका है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? विकास करने के लिए आप राष्ट्रीय समाज के ऐतिहासिक जीत हासिल की सोनू ने, उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ है, क्या कहना है आपका, समाज का क्या सोचना है? देखिए पहले तो हम अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, लाख लाख बधाइयाँ देना चाहते हैं यहाँ चंदौली की जनता को। चंदौली की जनता ने आज सोनू किन्नर को इस पद पे बैठाया है, सोनू किन्नर को इस जगह पे बैठाया है, एक संवैधानिक पद पर बैठाया है। आज उन्होंने संवैधानिक तौर तरीके से उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा समझते हुए उन्होंने आज शपथ ली है। इसलिए शपथ ली है कि वो जनता की कार्यरत रहेंगी, वो 5 साल तक इस जनता के बंधक में रहेंगी, जनता की सेवा करेंगी, जनता की कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ चलेंगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं किन्नर समुदाय की तरफ से और किन्नर समुदाय को कहना चाहती हूँ कि सोनू किन्नर जैसा कोई ऐतिहासिक जीत अभी तक हासिल नहीं कर पाया है, न हासिल किया है। आपने देखा होगा कि इतने बारिश में भी मुगलसराय की जनता अपने अपने स्थान पर बनी रही, वो जनता नहीं गई। ये ऐतिहासिक शपथ समारोह था और ऐतिहासिक जीत भी थी, और जनता ने बड़ी अच्छे तरीके से सभी मुगलसराय वासियों को तहे दिल से नमस्कार और सोनू किन्नर जी की तरफ से तहे दिल से नमस्कार। 5 साल पूरी ईमानदारी से संवैधानिक तौर से जनता का विकास होगा, और ये जो वंचित हम इसको छुड़ाएंगे। पिछड़ी ये जो मुगलसराय जो पिछड़ी जातियों में जो आता है कि ये पिछड़ा है जिला, हम उससे उसको बचाएंगे, उसको छुड़ाएंगे और एक इसको सुंदरता बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। एक सोनू किन्नर ही एक ऐसी प्रत्याशी जो मैदान में उतरी, जो अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने धूल चटाकर वो आई हैं। हम चाहते हैं इन्हीं से यही हाथ जोड़ के कि आप जनता की सेवा करें और जनता को पूरा 5 साल आप समय दें। जय हिंद, जय भारत।